नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में तृणमूल कांग्रेस बानहाट ब्लॉक कमेटी द्वारा मानवबंधन की कर्म सूची पालन की गई। बुधवार शाम को बानहाट एलआरपी मोड़ में तृणमूल कांग्रेस बानहाट संगठनित ब्लॉक समिति के कन्वेनर नयन दत्ता, सुजू छेत्री एवं सागर गुरुंग के तत्वाधान में मानवबंधन की कर्म सूची में काफी संख्या में तृणमूल समर्थक शामिल हुए। इस मानवबंधन कर्म सूची में तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव संदीप छेत्री, ब्लॉक युवा तृणमूल कमेटी के सभापति मानस दत्ता, एसटीएससी ओबीसी सेल ब्लॉक के अध्यक्ष जाफर हुसैन, नीरज छेत्री, बिनागुड़ी से विजय प्रसाद, अब्दुल रजाक, सतीश राय एवं विधान सरकार सहित कई उपस्थित थे। मानवबंधन के जरिए धर्म एवं संप्रदाय की राजनीति के प्रति विरोध जताते हुए सभी संप्रदाय के लोगों को एक मंच पर आने का आह्वान करते हुए केंद्र सरकार की नागरिकता संशोधन कानून के प्रति विरोध प्रकट की गई। इसी प्रकार से गैरकाटा में भी मानवबंधन कर्म सूची के तहत कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत दोनों जगहों पर लगभग आधे घंटे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रही। सीए ला के आज पश्चिम बंगाल जो भय पैदा हुआ इसके चलते पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने अपना जान भी गंवाया है। तो आज इसी के विरोध में बंगाल संघ तृणमूल कांग्रेस जता रहे हैं। इसी क्रम में मैं राजगढ़ जनरल सेक्रेटरी श्रीमान संतोष त्रिपाठी द्वारा ये जो मानव बंधन का कार्यक्रम दिया गया था, नीति अभी पूरा भारत वर्ष में जो हम लोग देख रहे हैं। आज बानरहाट तृणमूल कांग्रेस सांगठनिक ब्लॉक कमेटी की ओर से मानव बंधन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें एनआरसी, एनपीए और नागरिकता कानून के विरोध में आज हम यहां तीनों कन्वीनर उपस्थित हैं। मैं बात करूंगा, हमें जानते चाहिए आज के जे इटा अपनी कार्यक्रम कर लें की उद्देश्य अच्छे। এটা হচ্ছে রাজ্য জুড়ে যে এনএসির আতঙ্ক, সিএন আতঙ্ক, এই আতঙ্কের প্রতিবাদে আমাদের আজকে আন্দোলন চলছে সারা রাজ্য জুড়ে। তার সঙ্গে আমরা বানাটা পালন করছি, আমরা বানাটা আজকে পূরণ করছি, পাশাপাশি আমরা গয়গড়ে প্রোগ্রাম করছি এনআরসির বিরুদ্ধে, সিএর বিরুদ্ধে। আমরা এনআরসি মানছি না, মানব না, আমরা কিছুতে এনআরসি দিব না। আজকে কোথা কোথা থেকে লোক আসছে আপনার এই আন্দোলনে? আমাদের আন্দোলন আমরা আগেই বলেছি আপনাদেরকে, আমাদের এই ব্লকে সাতটি অঞ্চল, চারটি অঞ্চলে আমরা প্রোগ্রাম করছি ভানাহাটে, তিনটি অঞ্চলে প্রোগ্রাম করছি কয়কাটা। আজকে আমার চারটি অঞ্চলে প্রায় হাজার দুয়েক লোক আজকে আমাদের পুরো জমা হয়ে গেছে। তো এখন এই আর কিছুক্ষণের মধ্যে আবার কয়কাটা প্রোগ্রাম হবে, সেখানে যাচ্ছি আমরা। আমাদের প্রোগ্রাম মোটামুটি ভালো সাড়া পেয়েছি আমরা, সবাই এনএসসি আতঙ্কে আছে, তাই আমরা প্রোগ্রাম আগে চালিয়ে যাবো। আর শুধু আজকে না, আমাদের প্রোগ্রাম কন্টিনিউ চলবে। প্রোগ্রাম আমাদের আগামী কী কী কার্যক্রম আছে এইটা নিয়ে? আমরা আগামীকাল আমরা বাগানে বাগানে প্রোগ্রাম করবো, বস্তি বস্তিতে, গ্রামগঞ্জে। এবং আগামী নয় তারিখ এনআরসির বিরুদ্ধে, সিএর বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিটি অঞ্চলে আমরা মনোমিছিল করব। এবং 12-13 আমাদের এই ব্লকের প্রত্যেক বুথ সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান দল নেতৃত্ব আমরা বুথে বুথে আমরা এনআরসির বিরুদ্ধে প্রচার করব। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা হ্যান্ডেল দেবো, যেখানে হিন্দিভাষী হিন্দি লিফলেট, যে মানুষ বাংলা লিফলেট, আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করব এনআরসির বিরুদ্ধে। অভি বানারহাট সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসকে দ্বিতীয় কনভিনর ইহা পর হমারে হ্যাঁ, তিনোঁ কনভিনর উপস্থিত হ্যাঁ। আজ যে কার্যক্রম হো রহা হ্যাঁ সুজিত ছত্রিজি, ইসকা মুখ্য উদ্দেশ্য ক্যা হ্যায়? দেখিয়ে জিস প্রকার সে পুরা ভারতবর্ষ মে এ ভাওতাবাজি দল যো হ্যায় বিজেপি সরকার, এ জনতা মে জিস প্রকার সে এক ডর কা মাহল বন চুকা হ্যায়, তো উসি কে বিরোধ মে हम लोग रास्ते पे उतर कर ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे सामने हैं जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के साधारण संपादक श्री संजीत संदीप छेत्री जी। आज संदीप जी, आज ये कार्यक्रम जो हुआ इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये काफ़ी महीना से पूरा भारतवर्ष में बीजेपी का जो केंद्र सरकार है, जो ये एनआरसी और सीए को जिस तरीका से जबरदस्ती पूरे देश में लागू करने का षड्यंत्र कर रहा, इसके विरोध में हमारे मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने आज का ये कार्यक्रम हम लोग को दिया था, जो हमारा पूरा बंगाल में आज का दिन हम लोग मानव बंधन का कार्यक्रम लेके एनआरसी एवं सीए और एनपीआर का विरोध में हम लोग आंदोलन पे उतरे हैं। ये
पहला नहीं है, इससे पहले भी हम लोग काफ़ी दिनों से इस आयन का विरोध में हम लोग लड़ रहे थे और आने वाले दिन में भी हमारा बहुत सारा कार्यक्रम इसका विरोध में रहेगा।